डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 के सम करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ सम स्टूडेंट्स, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मीजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी के आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी मीजर दी गई है 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। मीन्स 0.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 0.5 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। इसकी प्रत्येक साइड को 4 पंक्तियों के द्वारा तार से बाड़ करनी है। फेंस्ड मीन्स 4 दीवारी या बाड़ करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। जो वायर है जिसकी हमें आवश्यकता है इसकी फेंस करने के लिए, इसकी चार दीवारी करने के लिए, इसकी बाड़ करने के लिए, उसकी कितनी लंबाई है। अब ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है स्टूडेंट्स, ये इसकी लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी। तो इसके चारों तरफ जब हमने 4 रो वायर की लगानी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और पेरीमीटर में जितनी वायर, जो इसका पेरीमीटर होगा वो एक रो में जितनी वायर लगेगी वो आ जाएगा। फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने वायर की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 0.7 किलोमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 2 × L + B 2 × 0.7 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर। 2 × 5 में 7 ऐड किया 12, बचा 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1.2 किलोमीटर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 किलोमीटर हो गया। यह आ गया इसका पेरीमीटर। अब हम लिखेंगे शो द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इक्वल टू 2.4 किलोमीटर मल्टीप्लाई 4। अगर 1 रो होती तो ये एज इट इज रहता, 2 रो होती तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 रोज होती तो 3 से मल्टीप्लाई, और 4 रोज है तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 9.6 किलोमीटर। ये अपना फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम है स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये शेप दी गई है, इनका हमने पेरीमीटर निकालना है। ए पार्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दी गई है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों का मेजर हमें दिया गया है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर
प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड कर दिया। बी पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसकी एक साइड दे दी 9 सेंटीमीटर तो बाकी की भी दोनों 9 सेंटीमीटर हो गई। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालने के दो फार्मूले स्टूडेंट्स, या तो इसको तीन बार लिख के ऐड कर दो या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 सेंटीमीटर आ गया। सी पार्ट, एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल विद इक्वल साइड से 8 सेंटीमीटर ईच। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी टू साइड इक्वल हो, तो उसमें जो इक्वल साइड है वो तो है प्रत्येक 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर। तो अब इसमें लिखते हैं, ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। 8 को हमने 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 8 में 8 ऐड किया 16, 16 में 6 ऐड किया 22 सेंटीमीटर। ये अपना 6th सम हो गया स्टूडेंट्स।